हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में, और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है, वो होने वाला है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर, कि ये क्या होता है, MIS और DSS में क्या डिफरेंस होता है, और इसका क्या क्या महत्व है, ये किस किस जगहों पर जो है बिजनेस में काम आता है, इसके बारे में हमारा ये पूरा का पूरा लेक्चर होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला ये लेक्चर। उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आइए, यहाँ पे आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नीचे की तरफ अगर आप आएंगे, इग्नू बीकॉम न्यू आपको दिखेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको पूरा का पूरा जो प्लेलिस्ट है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का सारा प्लेलिस्ट जो है आपको दिख जाएगा, जिसके अंदर ढेरों वीडियोज हैं जिनको पढ़ करके, सुन करके, आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे आज के टॉपिक की तरफ अब चलते हैं। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान जो है यहाँ पे आपको परचेस करना है बाई पेइंग 119 रुपीज। यहाँ पे बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाएगा 24/7, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता। आपको नोट्स 40% डिस्काउंट पे मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो चलिए फिर देखते हैं। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है। एक होता है मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, दूसरा होता है ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक टाइप है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जो कि जो कैटेगरी है मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम का, उस कैटेगरी के तहत ये आता है, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ना, उसको आप दो भाग में बांट सकते हो। एक तो है मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, दूसरा है ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। अब जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हमारे जो हम पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली एक तरह का टाइप है। किसका टाइप है? मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम का, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। सो एन MIS इज डिफरेंट फ्रॉम अ DSS। MIS जो होता है वो DSS से अलग होता है। DSS का मतलब हो गया डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है वो समझ जाएंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो हाईलाइट द मेजर एस्पेक्ट्स ऑन विच बोथ ऑफ देम डिफर। तो कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे वो लोग जो है डिफर करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट यहाँ पे बोला गया डिसीजन मेकिंग लेवल, है ना। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो डिसीजन मेकिंग लेवल होता है वो बहुत ही प्राइमरी लेवल का होता है, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो हाईएस्ट लेवल का होता है, ठीक है। ऑपरेशनल मोड की अगर हम बात करें, सो रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है MIS के तहत। वेयर एज अगर हम DSS की बात करें, सो प्रैक्टिस चॉइसेस एंड देयर एनालिसिस। यहाँ पे आप चॉइसेस जो है प्रैक्टिकली करते हो, और आप एनालिसिस भी करते हो जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी रिपोर्ट्स आपके पास है उन सब का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो MIS का ऑब्जेक्टिव होता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना, जो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करना। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के तहत जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग फॉर द कंपनी। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप डिसीजन जो है कंपनी के बिहाफ पे बहुत ही अच्छे तरीके से लें, एक अच्छा इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग आपको जो है करनी है आपकी कंपनी के लिए, ठीक है। इनपुट की अगर हम बात करें, सो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग यूनिट्स। यहाँ पे अगर हम इनपुट की बात करें तो बहुत ही एक लार्ज वॉल्यूम जो है, बहुत ही बड़ा एक वॉल्यूम जो है वो वेरियस ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग से जो है भेजा जाता है MIS में, और MIS जो है उस चीज को प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। वेयर एज अगर हम डिसीजन सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे लो वॉल्यूम ऑफ डेटा एज द डेटा गेट्स फिल्टर्ड टिल इट रीचेस द DSS। तो जैसा कि मैंने DCS के बारे में आपको पहले बताया कि ये हाईएस्ट लेवल होता है ना, और MIS प्राइमरी लेवल होता है। तो प्राइमरी लेवल पे आपके पास सारी डेटाज आती हैं, राइट। तो लार्ज वॉल्यूम में यहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है, चीजों को एनालिसिस किया जाता है, लेकिन जो बार बार फिल्टर लगाए जाते हैं वो फिल्टर होते 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 जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है उस वहां तक जब डॉक्यूमेंट पहुंचते हैं, डेटा पहुंचता है, तो वो बहुत ही लो वॉल्यूम का हो जाता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आउटपुट की बात करें तो MIS में जो है हमारा आउटपुट जो होता है वो समरी रिपोर्ट्स के रूप में निकलता है। यहाँ पे रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, समरी रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी। वेयर अगर DSS की बात करें, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, तो यहाँ पे डिसीजन एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये पांच डिफरेंसेस थे बिटवीन दीज टू पॉइंट्स MIS और DSS में। अब बात कर लेते हैं MIS को थोड़ा डिटेल में। सो एग्जाम्पल ऑफ MIS आर बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। अगर MIS के एग्जाम्पल की बात करें तो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है,
रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और वेरी यू नो एग्जाम्पल ऑफ MIS, ठीक है ना। सो एनी MIS इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जनरेशन रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, है ना। तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को मैनेजर्स बोल सकते हैं, राइट, जो बड़े बड़े एम्प्लॉइज होते हैं। तो अभी के टाइम पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, तो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक सिस्टम तैयार किया जाता है जिस सिस्टम के तहत डेटा जो है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है या दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो MIS जो होता है यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जनरेशन का काम होता है, जो कि एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए बिटवीन द यू नो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये काम जो है MIS के थ्रू हम लोग जानते हैं, मतलब कि किया जाता है, ठीक है। हम लोग तो नहीं करते हैं प्रैक्टिकली, बट ऐसा होता है। डिस्पाइट वेरियस एसेट्स दैट एन MIS प्रोवाइड्स, इट सफर्स फ्रॉम मेनी लिमिटेशंस टू, है ना। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके कुछ कुछ डीमेरिट्स भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं, जिसके कारण से MIS को एक तरीके से सही नहीं माना जाएगा। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? सो देयर आर एरियाज वेयर अ मैनेजमेंट सिस्टम नीड्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप अमंग वेरियस डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। तो यहाँ पे कुछ एरियाज के बारे में बात की जा रही है जहाँ पे जो रिलेशनशिप है बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से एरियाज हैं, अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला एरिया जो है वो है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस का जो है इसमें बहुत ही ज्यादा मसला होता है, खर्चीला होता है, अगला है कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। क्लाइंट रिलेशनशिप यहाँ पे आपको बरकरार रखनी होती है, क्लाइंट रिलेशनशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर काम करना होता है। दूसरे जो वेरियस मॉड्यूल्स यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, कस्टमर की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है, इग्नोरेंट टू स्पेशल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पेशल नीड्स है उसको समटाइम्स आपको इग्नोर भी करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज कि आप एक तरीके से यू नो कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हो और आप MIS को मैनेज कर रहे हो, तो समटाइम्स यू विल हैव टू इग्नोर सम स्पेशल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, ठीक है ना। द प्राइमरी मोटिव The primary motive of MIS is to provide information required by the managers, which will enable them in effective decision making. तो जो primary motive होता है MIS का या फिर management information system का, वो ये होता है कि जो 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 जरूरी जो जानकारियां हैं जो कि managers के पास होनी चाहिए, वो जानकारियां उन तक पहुंचाई जाएं ताकि वो उन जानकारियों के basis पे जो decisions उनको लेने हैं वो अपना decision making का काम जो है ठीक तरीके से कर सकें। तो main हमारा motive जो है, primary motive जो है MIS का, वो यही है। The managers can use MIS as a tool to identify the problem they might face afterwards, है ना। तो मैनेजर एक तरीके से MIS को एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आगे जा करके अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में MIS जो है उनकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग अ गुड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये एक तरीके से जो सॉल्यूशन है वो भी क्रिएट करता है, सॉल्यूशन भी बनाता है जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन को क्रिएट करने में भी ये अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है MIS, ठीक है। इट गिव्स अ क्विक एक्सेस ऑन इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स एट वेरियस लेवल्स। यहाँ पे एक तरीके से बेनिफिट्स आपको बताई जा रही है कि MIS के फायदे क्या क्या हैं। तो यहाँ पे देखो क्विक एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, अगर आपको अचानक से क्विकली अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो आप बहुत ही आसानी से यू नो इकट्ठा कर सकते हैं उस जानकारी को। मैनेजर जो डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं उनको ये जानकारियां जो है बहुत ही आसान तरीके से अवेलेबल हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ MIS, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो to be understood that while designing MIS the manager should consider the behavioral aspect of the employees, है ना। तो ये बहुत समझना important हो जाता है एक तरीके से कि जब भी आप MIS को design कर रहे हो तो manager को जो है behavioral aspects जो होते हैं employees का उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत important है, ठीक है ना। तो जब आप MIS को design करोगे या फिर इसके ऊपर काम करोगे तो फिर आपको इन सारे aspects को भी ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा important हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा लेक्चर था जहाँ पे मैंने आपको MIS के बारे में डिटेल में बताया कि MIS क्या होता है, दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपको बताया, साथ ही साथ MIS का एग्जांपल्स के बारे में बताया, उसके फैक्टर्स के बारे में बताया जिसके कारण से MIS एक तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होता है, साथ ही साथ इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इनका मोटिव है, वो भी मैंने इस लेक्चर के माध्यम से आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।